नमस्कार, प्राइम बीके न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर वाराणसी से। नदेसर स्थित सेरे कक्कड़ एंड कंपनी द्वारा ही जेएमएफआई स्कूटर का भव्य उद्घाटन हुआ संपन्न। जेएमएफआई ने नेशनल हेड मनीष कुमार पटेल ने कंपनी के भविष्य की योजना को तहत बताते हुए कंपनी की स्थापना की सन 2017 में की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी यातायात को अस्थायी व्यवस्था देना और प्रदूषण से मुक्ति देना। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार द्वारा ही इलेक्ट्रिक वाहन पर दी जा रही प्राथमिकता के आधार पर टीम सतत और प्रयासरत है। भारतवासियों को एक उच्चतम क्वालिटी की सेवा और उच्च श्रेणी को दो पहिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रदान करे, जो सुरक्षा और टिकाऊ के साथ ही आधुनिक तकनीकी पर खरी उतरी। टाइम के यूज शनि के लिए वाराणसी से खास रिपोर्ट। मेरा नाम मनीष पटेल है और मैं जेमोपाई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का नेशनल सेल्स हेड हूँ। और आज मैं यहाँ पे हमारा बनारस में नया और पहला एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, तो मैं उस उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हूँ। क्या प्राइस है सर गाड़ी? देखिए, हमारी गाड़ी जो है जेमोपाई की गाड़ियाँ दो कैटेगरी में और तीन मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं। लो स्पीड की गाड़ी हमारे पास राइडर नाम से है, वो 48 वोल्ट का प्रोडक्ट है जो कि 70,000 के प्राइस से शुरू है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास राइडर सुपर मैक्स है, जो हाई स्पीड का प्रोडक्ट है, वो 70-80 हज़ार की प्राइसिंग पे है। और तीसरा जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा एस्टेड है, वो भी हाई स्पीड है। इसकी जो प्राइसिंग है 1,11,000 समथिंग है। मार्केट में बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बहुत से शोरूम में बैठी हुई है, क्या खास है इसमें? हमारा जो प्राइस है, जो हमारी गाड़ी है जेमोपाई की, वो तीन चीज़ों पर बेस है। एक तो ये कि एक तो उसका डिज़ाइन कटिंग एज डिज़ाइन है। सबसे दूसरी बात यह है कि इसमें हमने जो क्वालिटी यूज़ करी है, दैट इज़ आई मीन लेटेस्ट क्वालिटी। और सबसे तीसरी बात जो है कि राइडिंग कंफर्ट जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। क्या एवरेज? एवरेज डिपेंड करता है कि आप बैटरी कैसे यूज़ कर रहे हो। तो अगर मैं एवरेज करके बताऊँ तो 100 एक चार्जिंग में 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का अलग अलग मॉडल के हिसाब से एवरेज मिलता है इसका। क्या कहना चाहेंगे काशी के ग्राहकों को? देखिए, अभी सावन चल रहा है और आज की डेट में अगर हम अपना यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो देखा जाए कि अब बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हमारे लिए एक तरह से आशीर्वाद है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, पोल्यूशन जितना फैल रहा है और जितना इस समय गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ, ये सब गाड़ियाँ। कंपनी का पार्टनर हूँ और आज के दिन में हम लोगों ने सावन के शुभ अवसर पर इसको उद्घाटन करने का निश्चय किया। और आज हमारे बीच मनीष कुमार जी नेशनल हेड और अभिषेक गुप्ता जी, यहाँ आशीष शुक्ला जी मेरे पास हैं। और विशेष करके ये, जैसा कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना है, आगे भविष्य भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ही है, जिससे प्रदूषण कम होता है। और सरकार की योजना को देखते हुए हम लोग उससे प्रभावित हुए हैं और इस कंपनी को चूज़ किया हम लोगों ने। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेशनल हेड और पूरी कंपनी हमें पूरा इसमें समर्थन देगी और हम लोग इसको एक और आगे ले जाएंगे। काशी के ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? काशी के ग्राहकों को मैं तो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आज यातायात की समस्या से बहुत जूझे हुए हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं एक सिग्नल में अगर 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है तो वहाँ पॉल्यूशन किस तरह से व्याप्त होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडॉप्ट करते हैं तो प्रदूषण की जो समस्याएँ हैं, जरूर हम उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे?